टोयोटा की आप कह सकते हैं कि एक डिमांड बहुत ज्यादा है, बिल्कुल नो सेकंड थॉट ऑन। होंडा को पाकिस्तान के अंदर हाइप मिली है ना इस जनरेशन में, तो गाड़ी ड्राइव की तो बहुत अनकंफर्टेबल मैंने फील किया उसके अंदर ना, जिनके पास से कि उनके इस्तेखारे भी अच्छे आ जाते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज अफान अहमद, वेलकम बैक टू कास्ट ट्यूब। और थैंक्स अ लॉट यार भाई को सपोर्ट करने के लिए, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। और आज हमारे पास हमजा है, हमारे साथ हमजा है। हमजा क्या हाल है, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा हमजा, कौन सी गाड़ी है और कौन सा मॉडल है? सर ये सिविक है और 2018 मॉडल है, 2021 की रजिस्ट्रेशन है इसकी। कब परचेज करी थी और किस प्राइस रेंज में परचेज करी थी? एक्चुअली ये मैंने परचेज की थी अराउंड 6 मंथ्स बैक, तो उस वक्त मेरे माइंड में और भी ऑप्शंस वगैरह थे, मैं एल्टिस की तरफ भी जा रहा था करोला, सही है। और इसके अलावा जो है वो, लेकिन सिविक का मेरे माइंड में ये था क्योंकि मुझे एक्स लेना भी था, सही है। तो और ये गाड़ी भी काफी क्लीन थी, साफ सुथरी गाड़ी थी, तो फिर मैंने इसकी तरफ। तो कितनी उस टाइम कितनी माइलेज क्या थी जब गाड़ी परचेज करी? अच्छा उस वक्त जो है ये गाड़ी आप समझ लें, जब मैंने परचेज की है तो ये 27,000-28,000 अप्रॉक्स चली, मतलब ऑलमोस्ट न्यू ही समझ लें, ऑलमोस्ट न्यू। तो अभी ये कितनी हो गई है? अभी ये अराउंड 45,000। मतलब इस पे कहीं लॉन्ग रूट पे गए हो? लॉन्ग रूट पर इसमें मैंने एक से दो बार ट्रेवल किया। कहाँ पे? ये पंजाब भी बहुत गई है, इस्लामाबाद गई भी है, लाहौर गई भी है। तो कैसा रहा है एक्सपीरियंस, मतलब लॉन्ग? इसका एक्सल में अगर आप सिटी में ड्राइव करते हैं तो ये आपको स्मूथ ड्राइव के ऊपर एवरेज दे देती है अप्रॉक्स 11-12, और लॉन्ग रूट पे तो ये इसने 13-13 क्रॉस भी किया है। 13-13 क्रॉस भी किया। अच्छा मतलब तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा था लॉन्ग का, मतलब गाड़ी कंफर्टेबल है नहीं? देखिए कंपैरेटिवली अगर मैं बात करता हूँ, आज से कोई एक साल पहले, एल्टिस 2021 मॉडल की बात कर रहा हूँ, मैं वहां से ट्रेवल किया था, यहाँ से मुझे जाना था पंजाब वाली साइड पे ना, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट कोई 8 से 10 घंटे का वो ट्रेवल डिस्टेंस था। एल्टिस में था, मैंने वो गाड़ी ड्राइव की तो बहुत अनकंफर्टेबल मैंने फील किया उसके अंदर ना, करोला के अंदर। तो कंपैरेटिवली इसकी अगर आप सीट्स वगैरह भी देखते हैं, आप आराम से कंफर्टेबल होके इसको ड्राइव कर सकते हैं, एवरेज भी फिर लॉन्ग रूट पे इसकी अच्छी, और यू नो कि यार आप कुछ ड्राइव कर रहे हैं, कम्फर्ट है इस ड्राइव का, कम्फर्ट है। और क्या कहते हैं रोड ग्रिप होंडा की, खैर वो बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है अगर एज कम्पेयर टू टोयोटा करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रोड ग्रिप तो होंडा की बहुत आउट क्लास है। और इसमें क्या कहते हैं ऑप्शंस, एल्टिस आपने रखी हुई है, एल्टिस से क्या ऑप्शंस इसके एक्स्ट्रा? अच्छा अगर मैं ऑप्शंस की बात करता हूँ ना, एल्टिस के अंदर देखें, एल्टिस के पाकिस्तान के अंदर तो आपको पता है कि टोयोटा की आप कह सकते हैं कि एक डिमांड बहुत ज्यादा है, और उसको ऐसा बोल सकते हैं कि वो तो कैश है, आप उसको आराम से सेल भी कर सकते हैं। होंडा के अंदर कंपैरेटिवली, क्योंकि होंडा लवर्स एक स्पेसिफिक अलग टारगेट मार्केट है, तो ऑप्शंस जो हैं करोला के से ज्यादा इसके अंदर मैं कह सकता हूँ ऑप्शंस होंगे। अगर आप क्वालिटी बहुत अच्छी है, मटेरियल क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपको एक अच्छी वाइब्स देता है इंटीरियर, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल कंफर्ट के लिहाज से भी होंडा क्या कहते हैं आपकी बहुत अच्छी रहती है, बिल्कुल बिल्कुल। बस एक एवरेज है टोयोटा की, 2-3 किलोमीटर एवरेज ज्यादा हो जाती है, तो वो इस वजह से टोयोटा की डिमांड है। और अगर आप रोड ग्रिप की भी स्पेसिफिकली बात करते हैं, तो होंडा की रोड ग्रिप आप देख सकते हैं टोयोटा से बहुत बेहतर होती है, बहुत ज्यादा बेहतर। तो आपको ये पता है कि इफ यू आर ड्राइविंग समथिंग, और अगर आप एक मोमेंटम के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं, तो ये चीज आपके माइंड में नहीं है कि गाड़ी रोड छोड़ देगी आप पे और खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। वजह क्या होती है, कोई भी गाड़ी होती है ना, अगर उसकी रोड ग्रिप अच्छी होती है ना, तो उसका फ्यूल एवरेज थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज होता है, बिल्कुल, बट आपको उससे बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलते हैं। स्किटिंग नहीं होती गाड़ी, स्किट इतनी जल्दी नहीं होती, और आप कंफर्टेबल रहते हैं यार गाड़ी, बिल्कुल ये बेनिफिट है। अच्छा हमजा क्या कहते हैं टोयोटा जो है, ओ होंडा जो है हमारी, वो मेंटेनेंस के हिसाब में कैसी है, मतलब मेंटेनेंस इसका हाई है, लो है, एवरेज है, कैसा है? देखिए इस चीज के अंदर क्योंकि होंडा का सबसे बड़ा कंपटीशन टोयोटा के साथ काउंट किया जाता है, तो कंपैरेटिवली होंडा इज क्वाइट एक्सपेंसिव व्हेन इट कम्स टू मेंटेनेंस, ठीक है, इसकी मेंटेनेंस, इसके ऑयल चेंज, इसके बाकी जो थोड़े बहुत एक्सपेंसेस होते हैं, सर्विस एक्सपेंस हो गया, ऑयल चेंज एक्सपेंस हो गया, ये सारी चीजें थोड़ी सी आप एक्सपेंसिव है कंपैरेटिवली टू टोयोटा। और दूसरा ये कि इसके पार्ट्स वगैरह जो है उनकी अवेलेबिलिटी के अंदर भी थोड़ा सा आपको ये कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल कोई गाड़ी का पार्ट खराब है और आपको चेंज करवाना है तो यू हैव टू वेट फॉर दैट, लेकिन टोयोटा के अंदर आपको ऑन द स्पॉट अवेलेबिलिटी होती है, हर जगह मिल जाती है, बिल्कुल। ये तो ये एक इसका थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है। ओके अच्छा हमजा क्या कहते हैं, जब आपने परचेज करी थी तो उस टाइम क्या प्राइस रेंज थी? अच्छा ये जब मैंने परचेज की थी ना ऑनेस्टली, तो उस वक्त इसकी प्राइस थी अप्रोक्स 4.1 मिलियन 4.2 मिलियन अप्रोक्स, ये इसकी प्राइस। और अभी क्या मार्केट है, कुछ आइडिया है? अभी एग्जैक्ट तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये कि रफली अगर आइडिया दूं तो आई थिंक 5 मिलियन तो क्रॉस कर गई है, क्रॉस कर गई है, 5 मिलियन क्रॉस कर गई है,
मतलब आप गाड़ी खरीदें और फिर चलाएं और फिर आप 5-10 लाख रुपए ऐसे बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल ऐसे हमारी तो पाकिस्तान की मार्केट का हाल ये हो गया बिल्कुल ऐसे ही। एक्सटीरियर अगर हम कंपैरिजन करें नए वाले मॉडल से नए वाले सिविक से तो क्या कहते हैं ये वाला ज्यादा है पसंद या हुआ? देखिए ये तो एक बड़ा एक कॉन्फिडेंशियल आपका एक क्वेश्चन है क्योंकि हर बंदे की अपनी अपनी एक चॉइस भी है, कुछ लोग उसको लाइक कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से आई थिंक ये वाला मॉडल जो ये वाला है किसका एक्सटीरियर 2021 तक का है, 22 में द चेंज द एंटायर प्लेस कंप्लीट जनरेशन चेंज कर, बिल्कुल जनरेशन ही चेंज कर दी। अब सिविक के अंदर जो होता है ना वो लोग इससे थोड़ा सा एक स्पोर्टी लुक एक्सपेक्ट करते हैं। अब वो वाला जो नया मॉडल आया वो थोड़ा एग्जीक्यूटिव है, तो फॉर दैट रीजन मुझे ऐसा लगता है कि ये वाले जो एक्सटीरियर इट्स बेटर देन दैट। एक्सटीरियर इसका बहुत ज्यादा एक्सटीरियर इसका ज्यादा अच्छा। क्वालिटी वाइज भी मैं उस वाली सिविक का भी रिव्यू करा मैंने नई वाली सिविक का, तो उसका जो इंटीरियर क्वालिटी है ना मटेरियल है वो मुझे नहीं पसंद आया। अच्छा अच्छा। ना एक्सटीरियर में इतना ज्यादा उन्होंने एक्सटीरियर दिया हुआ है A4 से आप कंपैरेटिवली कर सकते हैं, अगर आप टेल देख रहे हो उसकी तो A4 की तरह थोड़ी सी लाइट्स हैं ऑडी A4 की तरह। बिल्कुल। लेकिन इसकी बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल डिफरेंट है और तो एग्रेसिव है बहुत ज्यादा। थोड़ा सा ऐसा ही है। बिल्कुल एक लुक है गाड़ी का। एक लुक है। बिल्कुल। मतलब अगर हम गलत ना कह रहा हूँ मैं तो रिबॉन के बाद जो इंटीरियर और जो पसंद किया गया वो इस मॉडल को करें। बिल्कुल नो सेकंड थॉट ऑन नो सेकंड थॉट क्योंकि इसके इससे रिबॉन और इसके बीच में भी एक आया था सिविक का मॉडल रिबर्थ आया था, वो रिबर्थ की इतनी डिमांड नहीं थी क्योंकि उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह लोगों ने पर्सनली फेस किए। लेकिन आफ्टर रिबॉन जो आप समझ लें कि होंडा को पाकिस्तान के अंदर हाइप मिली है ना आपने अभी बताया वो ये क्योंकि आपके रोड्स वगैरह आपको पता है। स्पेसिफिकली अगर मैं कराची की बात करता हूँ तो इधर स्पीड ब्रेकर्स बहुत हैं, फिर रोड जो है वो इतने आपका इंफ्रा इतना मेंटेन नहीं है, तो उस पर्सपेक्टिव से सिविक को देखना पड़ता है कि इधर जाना चाहिए गाड़ी को लेकर या नहीं। तो ये वाले अच्छा बारिशों में कैसा है, अभी बहुत अच्छा जबरदस्त मौसम हुआ है और बारिश अभी थोड़ी देर पहले भी हुई है, तो बारिशों में कैसा एक्सपीरियंस कभी हुआ है बारिशों में? मतलब देखिए बारिश के अंदर ये गाड़ी अगर आप समझ लें कि इफ यू आर ड्राइविंग दिस कार हाईवे के ऊपर तो इसकी रोड ग्रिप अच्छी है, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी मुझे बात करते हैं शहर की, अगर आप स्पेसिफिकली बात करते हैं तो ये गाड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करती है क्योंकि वही वाली बात है आपका इंफ्रा इतना मेंटेन्ड नहीं है और वो बारिशों में आपको पता है कि पानी बढ़ जाता है तो फिर आपको देखना पड़ता है। अगर ओवरऑल देखें तो सिविक सिविक है। ओवरऑल देखें तो फिर तो मैं एक मशहूर बात है कहते हैं ना कि जिनके पास सिविक है उनके इस्तेखारे भी अच्छे आ जाते हैं। ये अच्छा याद दिलाया मुझे। हाँ तो भाई इस्तेखारे तो अच्छे आते हैं, इस्तेखारे निकलवाए हैं अभी तक ये नहीं। मतलब वो जो एक है लड़की जो है वो भाई उसको तो चाहिए सिविक, सिविक वाला चाहिए, तो फिर कितनी लड़कियां हैं भाई, कितनी खड़ी हुई है लाइन में? सर अभी तो एज इच कोई भी नहीं है उनसे भी पूछेगा वो आपको ज्यादा बेहतर बताएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो ऐसा नहीं, कुछ ऐसा कोई सीन नहीं है। सही है, थैंक यू सो मच और आपने टाइम दिया और आपने इस मौसम में हमें टाइम दिया। नहीं, नहीं, कोई मसला, बड़ा खतरनाक मौसम है इस गाड़ी के साथ। नहीं नहीं अफान आप भाई हैं और कोई मसला नहीं है, आप जब भी आपके लिए तो एवरी टाइम। और भाई आप लोग अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और भाई को सपोर्ट करें और मुझे नहीं इजाजत, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।